सहायता था उसके लिए। मुझे लगता है इस बात पर अभी दोबारा बार बार बहस करने से कोई जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना और हमारे शिवसैनिकों ने क्या किया उसकी अगर आपको जांच करनी है तो उसमें आदरणीय सदैव उस वक्त के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी उनका बयान आप देख लीजिएगा, उसकी क्लिप बताइए। वो खुद कह रहे थे जब उन्होंने कहा कि उमा भारती को उन्होंने भेजा तो उमा भारती कह रही थी कि वहाँ के बच्चे जो ऊपर चढ़े थे वो सारे मराठी भाषा में बोल रहे थे, तो उनका बयान है। बाद में आदरणीय आडवाणी जी का बयान है। ये सारे बयान आपको साबित करते हैं कि हमारे शिवसैनिकों ने उस वक्त जो काम किया उसी की वजह से आज मंदिर बनाना, ढांचा न गिरता तो मंदिर बनाते क्या आप? तो ये सारी चीज़ें भूलो मत। और इसको लेकर जिस तरह की राजनीति कर रही है, 22 तारीख को है अब मंदिर पूरा हुआ कि नहीं उसके भी ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ शंकराचार्य हो, कुछ महामंडलेश्वर है, ऐसे बहुत सारे हमारे आदरणीय जो संत है मंडली है वो भी उसके ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो उसमें हमें जाना नहीं। हम परम श्रद्धेय हैं, हम प्रभु रामचंद्र पर हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, हम मानते हैं उनकी नीति मानते हैं। जो नीति अवनीति कर रहे हैं, जो अनीति से प्रचार बर्ताव कर रहे हैं उनको कहो उनकी नीति के राह पर चलो तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि उनकी हमें मैंने एक बार कहा है प्रभु रामचंद्र जी हमारे लिए प्यार है उनके लिए व्यापार है, प्रभु रामचंद्र जी हमारे लिए नीति है उनके लिए राजनीति है, प्रभु रामचंद्र जी हमारे लिए पुरुषोत्तम है उनके लिए प्रचार उत्तम है। तो हम इस पे राजनीति नहीं खेलना चाहिए। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने बार बार कहा हमारी वो श्रद्धा वैसे ही रहेगी, भक्ति है, कल थी आज है और कल भी रहेगी। और ये जिसको जो कुछ करना है कर दे, वहाँ कोई नियुक्ति की आवश्यकता है कि जब आएंगे तब हम जब मन में दर्शन करने के उसमें कुछ बड़ी बलट कालच माननीय आमचे माझे सहकारी खासदार अनिल देसाई मग तो हा वेगळा सगळा विभाग पाहतो त्यांनी काल काल तो ते भयानकच आहे। म्हणजे लवाद जर आरोपीच्या घरी जाऊन भेटत असेल तर मग लवादाकडनं काय अपेक्षा करायची? उद्या जर कोर्ट आरोपीला भेटायला लागलं तर मग काय समजायचं? मधल्या काळात सुप्रीम कोर्ट पण आपल्या एका आरोपीलाच भेटलं होतं जे उच्च पदावर बसलेले अपेक्षाच करत नाही त्यांच्याकडनं, न्यायाची अपेक्षा करू शकत नाही। त्यांनाच एक म्हण त्यांच्या डोक्यावर बांधली पाहिजे सगळ्यांच्या की जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड अँड ऑलरेडी जस्टिस इज डिलेड अ लॉन्ग, सो ते इतका विलंब झालेला आहे तेव्हा न्याय देतील का याच्यावर सुद्धा आता आम्हाला समजा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ध्यान में रखना की आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहब के नेतृत्व में यहाँ सरकार थी, वो भी इंडिया की सरकार थी, इतना ध्यान। तो हमने वो उसका प्रयोग तो पहले करा के बताया, दुनिया को पूरे देश को बता दिया है और यहाँ तीनों में अच्छा सुसंवाद है और अच्छी तरह से हमारे नेतागण उसमें उस समस्या का निराकरण। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।